नमस्कार, इस समय मौजूद हैं करनाल के ट्रामा सेंटर में, जहां पर इस समय एक मामला सामने आया है जहां कल रात को बीबीपुर जटान के रहने वाले दो युवक जो कि इंद्री से अपनी दुकान बंद कर अपने गांव की ओर जा रहे थे और रस्ते में जनेसरो गांव के पास चार पांच नकाबपोश बदमाश जो है इनके पास आए और किस तरह से इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिनके बाद इनसे जिनके पास जो कैश था वो लेकर जो है वो फरार हो गए और जानलेवा हमला जो है इनके ऊपर किया गया। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हालांकि उन लोगों की पहचान नहीं की जा पाई है कि किन्होंने इनके ऊपर हमला किया। आप दोनों युवक की इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एक के टांगों पर जो है स्टिचेस आए हैं और वही दूसरे के सिर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी जानलेवा हमला अपने आप में किया गया। नील आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इनके टांगों पर भी पड़े हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी वीडियो को शेयर इसलिए जरूर कीजिएगा क्योंकि जल्द से जल्द जो है उन नकाबपोश बदमाशों की पहचान की जानी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर परिजन मौजूद हैं उन लोगों के जिनके ऊपर हमला किया गया, एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, कहाँ से कहाँ ये दोनों जा रहे थे और किस समय इनके ऊपर हमला किया गया? मेरा नाम कृष्णलाल है, ये मेरे भतीजे हैं दोनों। ये अपने इंद्री से अपनी दुकान बंद करके ऑप्टिकल की अपने गांव जा रहे थे बीरपुर जटान में, तो रास्ते में पांच नकाबपोशों ने इनके ऊपर हमला किया जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई। आवाज़ उनकी पहचान सकते हैं, अगर सामने आए तो वो लोग इनको ये उनको पहचान सकते हैं। इनका कैश और इनके जो बैग थे वो उन्होंने लगभग 2 किले आगे जाके गिरे और बैग से जो कैश था वो निकाल लिया। बाकी एक के सिर पे गड़ासी मारी हुई है, दूसरे के टांगों पे 2 जगह गड़ासी मारी हुई है और उसके बावजूद भी काफ़ी जगह इनको चोटें मारी हुई है। इन्होंने गड़ासियाँ लगी नहीं है, इन्होंने अपने बचाव के लिए अपना हाथ आगे किया तो हाथ पे भी चोट आई हुई है थोड़ी। तो इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से बच्चों का बचाव हुआ है और ऐसी वारदात अपने एरिए में ये दूसरी तीसरी हो चुकी है, फिर भी प्रशासन इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। सर किस है जी, क्या काम करते हैं? ये इंद्री से अपनी दुकान बंद करके गांव बीबीपुर जटान जा रहे थे जो कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है इंद्री से बीबीपुर जटान गांव में। हादसा ये जिनेसरो गांव के पास नियर अबाउट 1 किलोमीटर दूर हुआ, एक जिनेसरो और बीबीपुर जटान के बीच में। इनसे इनका कैश इनके बैग में था, लगभग 24,500 रुपये थे जो इनसे छीने गए। इनका बैग छीन के 2 किले आगे जाके मिले, वो खाली करके उन्होंने घेर दिया था वहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि हमें यहाँ पर परिजनों ने बताया किस तरीके से वे लोग अपने गांव की ओर जा रहे थे अपनी दुकान बंद करके, किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। हमारी आप लोगों से अपील है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिनके ऊपर हमला किया गया, एक बार मैं उनसे जानना चाहूंगी। सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई आपको पहचान हो पाई है उनकी, किन्नों ने हमला किया था? बस मैडम, पहचान तो कुछ नहीं हुई है उनकी जी, पुराने लपेट रखे थे मुँह पे और पाँचों के पाँच जो बंदे थे वो गंडासियाँ ले रहे थे पूरे। जैसे हम पास में एक में लुक रहे थे जी वो, और हम पास से गुजरे एक के, तभी वो बाइक के आगे अट के और मेरी बाइक खेत में जा गिर चुकी थी और बाइक जो खेत में जीरी लगी हुई थी जी, उन्होंने 3 बंदे ने मेरे परगंडासियों से हमला किया पूरा। और जो 2 बंदे थे वो ताऊ जी का लड़का है, दूसरा उसके ऊपर उसने वार किया जी, और वो हमारे को जान से ही मारने के उसमें थे जी। और बाद में वो हमारे बाइक से कैश भी ले गए, मतलब चैन वगैरह सब खुली पड़ी थी। उसके बाद जो हमारे गांव के एक बाइक वाला गुजरा वहां से, तब जाकर वो दोबारा एक में पड़ गया, अभी कोई आ गया, तब जाके हमने अपनी जान बचाई 2-3 किले दूर जाके। फिर हमने घर वालों के पास फ़ोन किया तो वहां हमारे घर वाले आए जी। बस यही कहना चाहता हूँ मैम। तो जैसा कि आपने देखा, अपने आप में ये बहुत बड़ा एक लूट का मामला जो है वो साबित हुआ है, क्योंकि किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया और उनसे लूट कर जो है इनके बैग लेकर जो फरार हो गए। हालांकि कुछ आगे जाकर जो है उन्होंने बैग में से कैश निकालकर जो है बैग फेंक दिए, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी लूट की वारदात ये जरूर रही जहाँ 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। हमारी आप लोगों से अपील यही रही कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि प्रशासन जो है इसके खिलाफ जल्द से जल्द जो है कार्रवाई कर सके, क्योंकि जैसा कि इनके परिजनों का भी कहना था कि ऐसी वारदात जो है वो दूसरी तीसरी बार हो रही है और इस तरीके से जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह जरूर है। जो दूसरे युवक है जिनके ऊपर हमला किया गया, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी एक बारी से, क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे प्रशासन से जल्द कार्रवाई जरूर होनी चाहिए इस तरीके से। देखो मैम, जिन्होंने भी हमला किया है उनका पता तो हमें कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मुँह पूरे कवर किए हुए थे। तो तेज़धार हथियारों से हमला किया गया हमारे ऊपर। 8:30 बजे के करीब हम इंद्री से दुकान बंद करके निकले थे और जनेसर और गाँव के बीच में हम पर हमला हुआ है, और वो बैग में से कैश था जो वो निकाल के ले गए हैं, और जितना हो सका उन्होंने हमारे पर हमला किया, हमने भाग के जान बचाई अपनी।
तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हालांकि उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अपने आप में इस तरीके के जानलेवा हमला जो है कर लूट की वारदात को अंजाम देकर जो है वो 4 से 5 नकाबपोश बदमाश जो है फरार हो गए। हमारे आप लोगों से अपील ये रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस तरीके से जानलेवा हमला जो 2 युवकों पर किया गया, जो कि अपने इंद्री से दुकान बंद कर बीबीपुर जटान अपने गाँव की ओर जा रहे थे, जहां जनेसरों के बीच में 5 नकाबपोश बदमाश जो है वे युवक आए और इन पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि मेरे सहयोगी ने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया कि इस तरीके से इंद्री से जब जो सरपंच पंच के जो मेंबर हैं वो और उनके चचेरे भाई जब दुकान बंद कर अपने गांव जा रहे थे, किस तरीके से जो नकाबपोश बदमाश हैं उन्होंने उन पर हमला किया, एक बहुत ही जानलेवा हमला किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि प्रशासन इसके अगेंस्ट जल्द से जल्द एक कोई एक्शन ले सके और जो बदमाशों के ये जो हौसले हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुलंद होते नज़र आए। किस तरीके से उनको उन पर जानलेवा हमला किया गया, उनके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जा सके, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जरूर जा सके। जिन पर हमला हुआ उनके फादर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बेखौफ होकर जो है बदमाशों ने इस तरीके का जानलेवा हमला किया है? मैं वहाँ तो जो कुछ किया उन्होंने, जो मान लो अपने साथ किया है, तो हम वहाँ इंद्री से लेकर चले गए हॉस्पिटल में, वहाँ के डॉक्टरों ने हमें यहाँ टरका दिया, पुलिस वाले वहाँ आए आके चले गए, अब यहाँ आए ये लेकर 3,000 रुपये दो तो बेड खाली होगा, जब तक आप 3,000 रुपये दोगे हम एडमिट, अभी तक भी हम एडमिट नहीं करें इन लोगों ने। हमारे मरीज डॉक्टर आते हैं इनको बाहर घेरो हैं, और बाहर कहाँ बैठते हैं, इनके बैठने की जगह नहीं है, इनकी टांगा नहीं मुड़ती, इनकी कैसे ले देंगे बाहर इनको। तो 3,000 रुपये रात को वाले डॉक्टर के ड्यूटी वाले नाम तुम्हारे याद नहीं, उन्होंने बताया, हमने अभी तक भी पूछा कोई नाम नहीं बताया, 3,000 रुपये मांगे दोनों मरीजों के बेड के लिए, 6,000 रुपये एक का गोली देकर, इनसे पैरासीटामोल और एक डिक्लोप्लस की वो बुखार दर्द की, अभी तक कोई देखने तक भी नहीं आया। वहाँ से जब हम रेफर यहाँ किए गए तो इन्होंने रेफर यहाँ दाखिल क्यों नहीं किए, क्यों नहीं इनका टिक्का पट्टी करा गया, अब इनका ईब एक्सरे हो गया और सीटी स्कैन नहीं हुआ, एक्सरे के बारे में लेकर पुलिस एक्सरा ले जाएगी, 500 रुपये तो इन्होंने हमारे से ले लिया एक्सरा करने के लिए, और ले जाएगी पुलिस उनसे, पुलिस के हमारा रिश्तेदार है, जब रात की पुलिस अभी तक हमारा पता लेने नहीं आई, हम अपने मरीजों को संभालेंगे, पुलिस का पाछा पकड़ेंगे हम। तो सर क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे पुलिस पर? तो ये कहना चाहेंगे इनकी खिंचाई हो, इनका पता लगे, अभी 6,000 रुपये कैसे मांगे जाते हैं मरीज से। एक टाइम हम अपने मरीजों के हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी, हम सुन के एकदम अचानक चले गए, पैसे कहाँ से उठा के लाते थे 6,000 रुपये, गाड़ी हम किसकी मांग के लिए कहाँ से ले, तो उन्हें क्या पता इस बात का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइव तस्वीरों में जहां बदमाशों ने जो जानलेवा हमला किया उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं लोग परेशान थे ही, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल वाले हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो है जो ये बात सर ने बताई किस तरीके से दखल अंदाजी की वजह से जो है ये परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कुछ और लोगों से भी एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जिस तरीके से बदमाशों ने बेखौफ हमला किया है? जैसा पता लग रहा है बच्चों के बारे में, इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी, जो कि ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, जैसे मैंने पूछा रिलेटिव मेरे, तो कोई किस तरफ जाएँ, किस नंबर में जाएँ, कैसे जाएँ, कोई गाइडलाइन मिल रही है कोई? अब तक असंजमस में है, अभी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएँ या इंद्री जाएँ या यहाँ एडमिट करेंगे या क्या करेंगे, कुछ नहीं पता लग रहा है। इसके सिर में चोट लग रही है बच्चे के, डर है कि सीटी स्कैन, इसका सीटी स्कैन इंद्री वाले हॉस्पिटल ने बोला कि इसका सर फटा पड़ा है बीच में से, कि कहीं क्लॉट से जाना ब्लड के नीचे ना, उस डाउट को दूर करने के लिए सीटी स्कैन के बारे में नहीं, कोई इंद्री वाले सिविल हॉस्पिटल वाले करे सीटी स्कैन वहाँ होगा, यहाँ वाले करे सीटी स्कैन उन्होंने लिखा ही नहीं है, अपने विवेक से कुछ ये आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से भी कहीं ना कहीं परिजन जो है परेशान होते जरूर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से उनसे 6,000 रुपये मांगे जाते हैं कि तभी बेड जो है खाली किया जाएगा, तभी उनका आगे इलाज किया जाएगा। तो अपने आप में ही काफी बड़ी खबर जरूर है, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो बदमाशों के ये हौसले हैं बहुत ही ज्यादा जो है बुलंद होते नजर आए, उन पर एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जरूर जाए और पुलिस प्रशासन की भी इसके अगेंस्ट जो है आंखें जरूर खुल सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। नीरा माटा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।